हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी के बारे में। उसका पूरे पेपर का सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तो पहले सेक्शन लेते हैं ए, हिंदी। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, विशेषण में बदलिए। क्या विशेषण में क्या बदलना है? गुलाब को बदलना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण क्या चाहिए होती है। ठीक है, विशेषण क्या होता है? किसी चीज़ की विशेषता बताना, उसी को विशेषण कहते हैं। जैसे गुलाब की विशेषता क्या है? गुलाब की विशेषता है कि गुलाब कैसा होता है, गुलाब गुलाबी होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिंग बदलिए। ठीक है, लिंग बदलिए मतलब ये बंदर क्या है? पुल्लिंग है, तो इसको क्या करना है? स्त्रीलिंग करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बंदरिया। अच्छा, वचन बदलिए। ये क्या है? भाला। एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? भाला ही नहीं होगा, भाले होगा, भाले। ठीक है, बी ऑप्शन। अच्छा, वाक्य शुद्ध कीजिए। ये वाक्य दिया है, इसको शुद्ध करना है। इसको कैसे करेंगे? रोगी को काट कर सेब खिलाओ। ये वाक्य दिया है, इसको शुद्ध करना है। शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखो, पहला ये इसका आंसर, रोगी को सेब काट कर खिलाओ। ये इसका आंसर हो जाएगा ए, रोगी को सेब काट कर खिलाओ। रोगी को खिलाओ सेब काट कर, बी। ये तो कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। अच्छा, वाक्यांश को क्रम में लिखिए। ये क्या है? वाक्यों को क्रम में लिखना है। ये कुछ अंश दिए हैं वाक्यों के, इनको क्या है, ये क्रम में लिखकर पूरा वाक्य बनाना है। ठीक है, तो देखो, पहले क्या, जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला। ये होगा बी से, घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब सेकंड, थर्ड, वन और फोर्थ। सेकंड, थर्ड, वन, फोर्थ, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऊँट के मुंह में जीरा। ये क्या है? मुहावरे का अर्थ लिखना है। मुहावरे का अर्थ, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरे का क्या मतलब है? ऊँट के मुंह में जीरे का मतलब ये है कि किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार बहुत कम चीज़ देना। ठीक है, आवश्यकता से बहुत कम देना, आवश्यकता से ऊँट को कम भोजन खिलाना, डी ऑप्शन। तो ये नहीं होगा। ठीक है, आंसर इसका होगा ए, आवश्यकता से बहुत कम, ठीक है, देना। समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब क्या है कि इसके समान अर्थ वाले शब्द। चतुर लिखा है, चतुर, चतुर का मतलब जानते ही हो, चालाक होगा। चतुर्थ नहीं होगा, चतुर्थ तो एक नंबर हो गया। मंद चरम चालाक होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, विशेषण में बदलिए। फिर विशेषण आ गया, विशेषण गति। गति, गति को विशेषण में बदलना है, तो क्या है? गति का गमन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, समानार्थी शब्द आ गया। ठीक है, कुबेर। कुबेर क्या समानार्थी शब्द? कुबेर तो आप जानते हो सब। कुबेर क्या होता है? धनराज होता है एक तरह से। धनराज का मतलब जिसके पास बहुत धन हो। कुबेर भी एक, कुबेर क्या है? धन के राजा हैं एक टाइप से। संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद आप जानते होंगे, पुस्तकालय। तो इसका आंसर हो जाएगा पुस्तक धन। देखो, संधि विच्छेद ऐसा किया जाता है जिसमें दोनों शब्दों का कुछ अर्थ हो। पुस्तक धन आलय, तो इन दोनों का अर्थ है कुछ। ठीक है, अच्छा, विलोम शब्द लिखना है। एकता, एकता का विलोम शब्द क्या होगा? अनेकता। ठीक है, सी ऑप्शन। लिंग बदलिए। अध्यापक, अध्यापिका, पुल्लिंग दिया, स्त्रीलिंग अध्यापिका हो गया। मुहावरे का अर्थ लिखिए। मुहावरा क्या है? उल्टी गंगा बह। क्वेश्चन नंबर 13, उल्टी गंगा बह। ऑप्शन दिए क्या क्या? ए ऑप्शन दिया, गंगा के साथ बहना, गंगा के विपरीत बहना, विपरीत काम करना, अनुकूल काम करना। देखो, इसमें ए तो है नहीं, बी तो है नहीं, सी ऑप्शन सही है। गंगा ये है, विपरीत काम करना। ठीक है, ये मत कर गया ना कि गंगा की विपरीत दिशा में जाना। इसका जो मतलब है वो विपरीत काम करना है। अच्छा, भविष्य काल में बदलिए। काल जानते ही होंगे कितने होते हैं, भूतकाल और ये प्रेजेंट और भविष्य। तो भविष्य में क्या होता है? आगे जो आने वाली चीज़ होती है। बच्ची रो रही थी, ये दिया है प्रेजेंट, इसको भविष्य में बदलना है। तो पहला ऑप्शन है बच्ची रोती थी, तो ये तो क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा, रोती थी। ठीक है, और ये है बच्ची रोती है, ये प्रेजेंट हो जाएगा सामान्य।
और जो बच्ची रो रही है ये भी सामान्य में आ जाएगा, और बच्ची रो रही होगी तो ये हो जाएगा हमारा भविष्य काल, रो रही होगी जहाँ पे होगी होगा होगी ये आ जाए गागी गी तो वहाँ पे भविष्य काल होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, संधि विच्छेद। आगे देखते हैं संधि विच्छेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, संधि विच्छेद निकालना है किसका, पुष्पांजलि का, किसका, पुष्पांजलि का। तो इसमें भी ऐसा शब्द देखना है, ऐसा विच्छेद देखना है जिसमें दोनों शब्दों के अर्थ हों। देखो पहला है पुष्प धन अंजलि, पुष्प धन अंजलि दोनों के अर्थ है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए। विलोम शब्द लिखिए, धनी विलोम शब्द मतलब इसका जस्ट उल्टा, धनी धनी जानते हो जो धनवान होता है, ये ऋण मत कर देना, अगर धन होता तो उसका होता ऋण, तो ये धनी धनी मतलब कोई व्यक्ति है, दरिद्र दरिद्र मतलब बहुत गरीब टाइप से, एक टाइप से बोल सकते हैं उसके पास कुछ नहीं है एक टाइप से, ठीक है। अच्छा वाक्य शुद्ध कीजिए, तो वाक्य शुद्ध करना है मेले में बच्चा खो गया, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है बच्चा मेले में खो गया, बी ऑप्शन दिया बच्चा खो गया मेले में, जब बच्चा खो मेले में तो इसका आंसर है बच्चा मेले में खो गया। देखो दोस्तों अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं इस दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्स से रिलेटेड तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर भी कर दीजिए। अच्छा आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं 18, दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटि या त्रुटि के बिना है, उसे अ ब स या द के रूप में सूचित कीजिए। तो अ ऑप्शन दिया है रोज सुबह, बी दिया है व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है कोई त्रुटि नहीं, तो इसका आंसर क्या है, ठीक है। नीचे दिए गए इसका आंसर स्वास्थ्य बिगड़ता है, ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है व्यायाम करने पर रोज सुबह। देखो किस में त्रुटि है, स्वास्थ्य और बिगड़ता है, ठीक है, सा में, तो इसका आंसर हो जाएगा स। वचन लिखिए, आत्मा आत्मा वचन लिखना है, ठीक है, आत्मा आत्मा एक वचन दिया है आत्मा, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा आत्मा, आत्म नहीं होगा ना आत्मन होगा ना आत्मीयता होगा, इसका आंसर होगा आत्मा, ठीक है, बहुत सारी आत्मा। देखो ये अभी क्वेश्चन आ गया जो आगे कराया था वो वाला, भूतकाल में बदली क्या है, माँ सोती है तो माँ सोएगी का ये आ रहा है, ये कौन सा हो गया भविष्य काल, माँ सोती थी ये थी आ रहा है तो ये हो जाएगा भूतकाल, ठीक है, सोती थी भूतकाल की तो बात हो रही है, सोती थी कभी, ठीक है। अच्छा आगे क्वेश्चन दिया है ये देखो अवतरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या करना है, तुम्हें पढ़ना है उसके बाद तुमको ये क्वेश्चन नीचे दिए हैं उनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। प्रेम के कितने रूप होते हैं, तो मातृ प्रेम होता है, पारिवारिक प्रेम होता है, ईश्वर प्रेम होता है, तीनों होते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो ये पहले आपको ऊपर पढ़ना है उसके बाद आंसर देना। आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, देखो एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगानी चाहिए, उससे क्या होगा आतंकवाद को कम कम हो सकता है आतंकवाद, ठीक है। अच्छा इस अवतरण का एक उच्च शीर्षक दीजिए, और प्रेम की बात हो रही है पूरे उसमें तो क्या होगा इसका, प्रेम ही होगा ये आंसर, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन, दो समुदाय और दो राष्ट्र को कौन सी भावनाएं जोड़ सकती है, ठीक है, प्रेम की भावना जोड़ सकती है, जाहिर सी बात है, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपसी शत्रुता नहीं, आपसी द्वेष नहीं, घृणा की भावना नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी प्रेम की अभाव, ठीक है, प्रेम का अभाव बी आंसर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे अगर और भी वीडियो जानना चाहते हो और किसी भी टॉपिक से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है।